हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुंडे के डायरीज। तो आज हम करेंगे सेकंड लेसन ऑफ लग जा गले। इसका फर्स्ट लेसन मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। साथ ही साथ इसका जो कवर मैंने परफॉर्म किया है उसका लिंक भी दे रखा है। तो अगर आपने वो कवर नहीं देख रखा तो सबसे पहले जाके वो कवर देखें, उसके बाद फिर फर्स्ट लेसन देखें, फिर इस लेसन पे आए। तो आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, और प्लीज हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में पूछें, ठीक है। और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें जो हमने फिंगर स्टाइल लेसन की डाली है। हमने पूरी फिंगर स्टाइल लेसन की सीरीज भी डाल रखी है उसमें, और उसकी अभी नई वीडियोस हम आजकल में दोबारा पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो स्केल मैंने पहले बताया था, डी मेजर स्केल पे मैंने इसको परफॉर्म किया था, और लास्ट पार्ट जो मैंने खत्म किया था लास्ट वाले लेसन में वो था ये। ठीक है, तो स्लाइड करा था मैंने यहाँ पे, इसको स्लाइड करने के बाद डी कॉर्ड को प्लग करा था, डी कॉर्ड को। अब इसके बाद जो प्ले करना है, पहले मैं वो थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये प्ले करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी कॉर्ड को प्लग करेंगे इस तरीके से। अब डी कॉर्ड की ऊपर की तीन स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, इन दोनों को अपने थंब से प्लग करेंगे इस तरीके से। चाहे तो आप लास्ट वाली स्ट्रिंग भी प्ले कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आपने जब प्लग किया, इसको म्यूट करेंगे, फिर प्लग करेंगे आप फिफ्थ नोट को फर्स्ट स्ट्रिंग के, फिर फोर्थ नोट को, फिर दोबारा फिफ्थ नोट को, ठीक है। फाइव फोर फाइव, ठीक है। इसके बाद तो ये आपने प्लग किया, इसके बाद प्लग करेंगे ओपन सेकंड स्ट्रिंग एंड ओपन थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद दोबारा प्लग करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग को, स्लाइड करेंगे इसको सेवेंथ फ्रेट पर, सॉरी फिफ्थ फ्रेट को प्लग करेंगे, फिर स्लाइड करेंगे सेवेंथ फ्रेट पर इस तरीके से, ठीक है। अब जब प्लग किया आपने, इसके बाद आप प्लग करेंगे सेवेंथ बेस, सेवेंथ नोट को, जो आपका सेवेंथ फ्रेट है, सेवेंथ फ्रेट को विद बेस नोट फोर्थ, फोर्थ ओपन इस तरीके से। इसको प्लग करने के बाद फिर आप जाएंगे फिफ्थ फ्रेट पर, फिर आप जाएंगे थर्ड फ्रेट पर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दो बार दोबारा प्लग करेंगे थर्ड फ्रेट को, ठीक है, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद आप प्लग करेंगे सेकंड स्ट्रिंग को ओपन, फिर थर्ड स्ट्रिंग को ओपन, फिर थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो लास्ट के हमने प्ले किया था सेकंड थर्ड, इसके बाद तो ये आया, तो आपने ये प्लग किया था। इसके बाद आप बेस नोट थर्ड बेस, थर्ड फ्रेट ऑफ सिक्स्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, इन दोनों को साथ में प्लग करेंगे, ठीक है। जब इसको प्लग किया आपने, फिर स्लाइड करेंगे सीधे आप सेवन फ्रेट पर, थर्ड से सेवन फ्रेट पर, इसी नोट के साथ जो आपने बेस नोट के साथ प्लग किया उसको स्लाइड करेंगे सेवन फ्रेट पर, ठीक है। अब सेवन फ्रेट पर जब आप स्लाइड करके आए, इसको दोबारा प्लग करें सेवन फ्रेट पे, आप प्लग करके आए, मतलब सेवन फ्रेट पे आप स्लाइड करके आए, सेवन फ्रेट को प्लग किया, इसके बाद फिफ्थ फ्रेट पर, फिफ्थ फ्रेट के साथ आपने बेस नोट फिफ्थ ओपन को प्ले किया, ठीक है। ठीक है, ये आपने प्लग किया था फिफ्थ फ्रेट को, फिर स्लाइड करेंगे थर्ड फ्रेट पर, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद सेवन फाइव, सेवन फाइव थ्री, ठीक है। तो यहां पे आया,
7 5 3 2 उसके बाद ठीक। सो इसमें पैटर्न क्या चला है 1 2 3 1 2 तो पहले डी मेजर पे 1 2 3 1 2 तो इसमें आप बेस नोट फर्स्ट नोट के साथ बेस नोट 4 को प्ले करेंगे ठीक है। तो 1 2 3 1 2 उसके बाद डी सस 4 पकड़ेंगे मतलब अपनी जो मिडिल फिंगर है वो हटा देंगे आप फ्रॉम द सेकंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग और इस पोजीशन में आपकी जो रिंग फिंगर है वो रहेगी थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग पर और आपकी इंडेक्स फिंगर रहेगी सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग पर और इसमें सेम पैटर्न 1 2 3 1 2 ठीक है। तो पहले 1 2 3 1 2 फिर 1 2 3 1 2 अब जो फर्स्ट वाला नोट प्ले कर रहे हैं 1 उसके साथ आप बेस नोट को प्ले करेंगे 4th को ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वाले लेसन में ठीक है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 तो अब एक बार मैं बिल्कुल स्लोली आपको बताता हूँ पूरा स्टार्टिंग से प्ले करके ठीक है। इसके बाद दोबारा क्या प्ले करना है आपने क्या है सेम चीज चल रही है बस दो तीन एक्स्ट्रा नोट्स हैं। सो इसको कैसे प्ले करेंगे सबसे पहले डी कॉर्ड को प्ले किया हमने इसके बाद वही 5 4 5 ठीक है। उसके बाद सेकंड फ्रेट ओपन थर्ड फ्रेट ओपन फिर दोबारा इस फिफ्थ फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट फिफ्थ फ्रेट को प्लग किया लास्ट बार इसको स्लाइड करेंगे सीधे 10th फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग ठीक है। 10th फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग करने के बाद इसको जो 10th फ्रेट है इसको दोबारा प्लग करेंगे विद बेस नोट 4 ओपन ठीक है। इसको प्ले किया हमने फिर इसको प्ले करने के बाद सीधे आएंगे 9th फ्रेट पर फिर 7th फ्रेट पर फिर 5th फ्रेट पर फिर 3rd फ्रेट पर ठीक है। तो क्या है इसके बाद 2nd स्ट्रिंग ओपन 3rd स्ट्रिंग ओपन और दोबारा से 3rd फ्रेट को प्लग करेंगे फिर 3rd फ्रेट को दोबारा प्लग करेंगे विद 3rd फ्रेट ऑफ 6th स्ट्रिंग बेस नोट एज अ बेस नोट ठीक है इस तरीके से ठीक है। यहां से जैसे इस नोट को प्ले किया इसको स्लाइड करेंगे हम सोई 7th फ्रेट पर ठीक है। 7th फ्रेट पर स्लाइड करने के बाद 7th फ्रेट को दोबारा प्लग किया फिर 5th फ्रेट पर आया 5th फ्रेट को प्लग किया विद बेस नोट 5th वही हमने पहले मैंने जो पहले आपको बताया था ठीक है। फिर 7 5 3 फिर 2 ठीक ठीक है। अब 2nd फ्रेट को हमने प्ले नहीं करना हमने प्ले करना है पहले बताया था 1 2 3 1 1 2 3 1 2 फिर डी सस 4 पे 1 2 3 1 2 जो पहले बताया था ठीक है। सो क्या निकल के आया ठीक है ये लास्ट था। अब इसके बाद पूरा का पूरा पार्ट मैं पूरे फर्स्ट जो फर्स्ट लेसन है उसमें ये पूरा बता चुका हूं ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या है
सबसे पहले आपने प्लग करना है थर्ड फोर्थ या फिफ्थ बेस नोट को, साथ में प्लग कर सकते हैं, सिर्फ बहुत फोर्थ बेस नोट को प्ले कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, हमने बेस नोट प्ले किया, फिर प्ले किया हमने सेकंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, डी कॉर्ड हमने पकड़ रखी है, सेकंड फ्रेट प्लग किया, फिर ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले किया, फिर दोबारा सेकंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले किया, ठीक है। इसके बाद टू थ्री, टू थ्री प्लग किया, इसके बाद हमने प्लग किया दोबारा से सेकंड फ्रेट, इसको पुल ऑफ कर दिया, ठीक है, सेकंड फ्रेट को प्लग करके, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हमने हैमर कर रहे हैं सेकंड फ्रेट को विद बेस नोट फोर, फोर को प्ले करेंगे साथ में नोट के साथ, ओपन प्ले करेंगे दोनों को, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग को और फोर्थ स्ट्रिंग को ओपन प्ले किया, और विद हैमर करेंगे सेकंड फ्रेट पर दो बार हैमर करा, फिर दोबारा सेकंड फ्रेट को प्ले किया, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड दोबारा से, ठीक है। अब दो बार प्ले किया हमने सेकंड फ्रेट को दोबारा बार, फिर इसको हल्का सा पुल ऑफ करके बी माइनर कॉर्ड पकड़ेंगे। जब बी माइनर कॉर्ड पकड़ी तो बी माइनर कॉर्ड का आप जो फिफ्थ और फोर्थ फ्रेट है साथ में प्लग करेंगे विद लीड स्ट्रिंग फर्स्ट, ठीक है, इन तीनों स्ट्रिंग को साथ में प्लग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप फाइव टाइम्स प्ले करेंगे थर्ड फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, पांच बार प्ले करने के बाद ओपन प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को, फिर प्ले करेंगे थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग को, फिर प्ले करेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसको हमने प्ले किया थर्ड फ्रेट को, इसके बाद हम प्लग करेंगे सेकंड फ्रेट को, सेकंड फ्रेट को विद इस नोट के साथ ही हम वही जैसे पुल ऑफ जैसे करते हैं, ये ऐसे आया, फिर पुल ऑफ कर दिया सेकंड फ्रेट को इस तरीके से, ठीक है। अब ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ ओपन फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करेंगे ओपन, ठीक है, फिर स्लाइड करेंगे आप सेवन फ्रेट नोट प्ले करके, सेवेंथ को प्ले किया आपने सेकंड स्ट्रिंग के, फिर फिफ्थ पे आए, फिर थर्ड पे आए, फिर सेकंड पे आए, ठीक है। अब यहां पे जब सेकंड पहुंचे इसको दोबारा प्लग करेंगे, इसको पुल ऑफ करा, फिर दोबारा प्लग किया हमने सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं फर्स्ट लेसन में बता चुका हूं, ठीक है, तभी मैं इसमें जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पहुंचे, फिर इसको प्लग करेंगे विद बेस नोट थर्ड फ्रेट ऑफ सिक्स स्ट्रिंग, और अपनी आपकी जो ये वाली फिंगर है रहेगी सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, दोनों को साथ में प्ले किया, फिर फर्स्ट ओपन सेकंड स्ट्रिंग प्ले किया, ठीक है, तो चार बार प्ले किया इसको, फिर स्लाइड करेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग से फिफ्थ फ्रेट पर, और फिर दोबारा बैक स्लाइड इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करा, फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ हमने प्ले किया सेकंड स्ट्रिंग, फिफ्थ ओपन स्ट्रिंग के साथ सेकंड फ्रेट ऑफ जो आपका सेकंड फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग का साथ में, ठीक है। तो क्या आया, इसको पुल ऑफ भी करना है, फिर तीन बार प्ले किया सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, तीन बार प्ले करने के बाद इसको दोबारा प्लग करेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग को, फिर प्ले करेंगे अपनी पिंकी फिंगर से फिफ्थ फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है। अब फिफ्थ फिंगर आपकी पिंकी वहीं पे रहेगी और आपका बेस नोट बन जाएगा जो है आपका ये थर्ड फ्रेट ऑफ सिक्स स्ट्रिंग इस तरीके से। इसको प्लग किया, फिर आपने फोर्थ फ्रेट को प्लग करना है, ठीक है,
इसके बाद आपने ओपन फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करनी है। फिर अब क्या करना, आपने प्लग करना है सेकंड फ्रेट, हैमर करना है थर्ड फ्रेट पर, फिर प्लग करना है, फिर इसको पुल ऑफ करना है इस तरीके से। दैट इज इसके बाद पुल ऑफ करने के बाद 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 वो डी और डी सस पे, ठीक है। तो क्या था, तो ये पार्ट मैं पूरा बता चुका हूँ, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। अब फर्स्ट मतलब फर्स्ट लेसन में अब दोबारा इसको प्ले करना है, यहां तक बिल्कुल सेम आया। इसके बाद हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स हम मानेंगे सेवेंथ फ्रेट पे, और सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग। इसके बाद वही आपने ये वाला प्लग करना है दोनों को, थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ स्ट्रिंग एंड सेकंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग। फिर चार बार प्लग करना है सेकंड स्ट्रिंग को, फिर स्लाइड करना है, फिर इसको दोबारा प्लग करेंगे सेकंड फ्रेट को, तीन बार इसको फिर दोबारा प्ले करेंगे, फिर इसको दोबारा प्लग किया आपने सेकंड फ्रेट को, फिर पिंकी फिंगर्स फ्रेट को, फिर बेस नोट के साथ, ठीक है, फिर दोबारा से बेस नोट के साथ। इसके बाद आपने स्लाइड नहीं करके अब क्या है, आप ऐसे प्ले कर सकते हैं या फिर आप हार्मोनिक्स मार सकते हैं। अब हार्मोनिक्स मार के आप किस पे मारेंगे, सेवन फ्रेट ऑफ फर्स्टिंग पर, ठीक है। इसके बाद आप प्लग स्लाइड मारेंगे कहां से, थर्ड फ्रेट को ओपन प्ले करेंगे ओपन फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ, स्लाइड करा आपने सेवेंथ स्ट्रिंग पर, ठीक है। स्लाइड करके सेवेंथ फ्रेट पर, सेवेंथ फ्रेट को प्लग करेंगे, फिर फिफ्थ पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, ठीक है। फिर 5 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 वही डी और डी सस पे, ठीक है। तो ये पूरा मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, तो इसको मैं इसलिए फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद लास्ट में वही वही जो पहले मैंने फर्स्ट लेसन में बताया आपको, वही सेम डिट्टो वही चीज होंगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया था फर्स्ट लेसन के जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट मैंने बजाया था उसमें आपको पूरा बताया था कि इस तरीके से बजेगा, और वही चीज मैंने आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट में बताई है, वो पिछला लेसन 30 मिनट्स का है वो, ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप इसको स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने फर्स्ट लेसन देख रखा है तो आप इसको आसानी से बजा लेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद अब मैं नया लेसन मेरी आशिकी का जो फिंगर स्टाइल वर्जन है, और साथ ही साथ हमारे जो फिंगर स्टाइल लेसन चल रहे हैं, आज मैं फिंगर स्टाइल लेसन शाम को पोस्ट करूंगा, मॉर्निंग में मैं अभी ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कल फिर मैं कल परसों में मैं नया लेसन, और साथ ही साथ जो नए सॉन्ग्स आ रहे हैं उसका मैशअप भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे मैशअप्स के लिए, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।